हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज गाइस मैं आप सभी के साथ में रिव्यू करने जा रहा हूँ कारा के वाइप्स का। जी हाँ गाइस, ये जो वाइप्स आप देख रहे हैं ये कारा ब्रांड के हैं। एंड गाइस ये जो वाइप्स हैं ये हैं डीप पोर क्लेंजिंग के साथ में। और गैस इन वाइप्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और इसके साथ ही साथ ये जो वाइप्स होते हैं गैस ये बहुत ही अफोर्डेबल और इकोनॉमिक होते हैं। एंड इसमें गैस है हमारा एवोकाडो एंड जोजोबा ऑयल, जिससे गैस अगर हम इससे वाइप करते हैं तो ये हमारे स्किन से जेंटली तो जो है डर्ट को क्लीन कर देते हैं। एंड ये आउटडोर के लिए बेस्ट रहते हैं, क्योंकि गैस अगर आप इनको कहीं भी ले जा रहे हैं जैसे अपनी कार में या कहीं भी, तो आप जो है इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये गैस बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है। अगर गैस कारा का आप लोग नहीं ले सकते तो कोई भी वाइप्स जो है वो आप यूज कर सकते हैं। वाइप्स जो होते हैं वो समर सीजन के लिए परफेक्ट होते हैं। एंड टिश्यू पेपर से ये बेटर एब्जॉर्बेंट का काम करते हैं। एंड जो भी हमारे पसीना होता है या तेल तेल सा आ जाता है गर्मियों में, उसको गैस ये जो है बहुत ही आसानी से दोस्तों क्लीन कर देता है। सो गैस इसकी जो प्राइस है वो है 175 रुपीज़। गैस इससे छोटा भी आता है, वो मैंने लिया नहीं, मैंने बड़ा वाला लिया है। एंड इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो 2 ईयर्स की होती है। एंड दोस्तों इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो है वाटर, PEG-7, ग्लिसरील, कोकोएट, PEG-12, डाइमेथिकॉन, सोडियम लैक्टेट, सोडियम PCA, कोकेम डोप्रोपिल बिटैन, साइमन डोसिया, चाइनेसिस सीड एक्सट्रैक्ट, पर्सिया, ग्रेथसियम फूड एक्सट्रैक्ट और कोको पॉलीमर ब्रेथ। एंड गैस इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हर्बल एंड ऑर्गेनिक तो नहीं है, इसमें केमिकल वाले इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है। ये गैस आप जो है लिस्ट देख सकते हैं, इन इंग्रेडिएंट्स से गैस ये हमारे वाइप्स जो है बन करके तैयार हुए हैं। और दोस्तों ये कारा ब्रांड के हैं। खैर मुझे कारा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इनके वाइप्स जो है पहले से भी यूज़ कर चुका हूँ। और गैस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे वाइप्स के जो है लिंक मिल जाएंगे, और जो भी वाइप्स जो मैं यूज़ करता हूँ और मुझे अच्छे लगते हैं वो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आप जो है वहाँ से अपने लिए वाइप्स जो है परचेस कर सकते हैं। सो गैस ये वाइप्स हमारे कुछ इस टाइप के बॉक्स में आते हैं और इसके ऊपर गैस ये प्रोटेक्शन लगी होती है। जब भी गैस हमको वाइप्स यूज़ करने हों तब हम इसको ओपन करेंगे, इस कारा वाले को खोल देंगे। और गैस ये प्लास्टिक का है और ये पॉलीथीन का है, एक साथ आप मत खोलिएगा वरना आपके सारे वाइप्स जो है बर्बाद हो जाएंगे। आपको जो है वाइप्स को आराम से ऊपर ये मिलता है खोलने के लिए, इसी से खोलिएगा। और अंदर भी आपको एक सील मिल जाती है, जब आप इसको ओपन करेंगे तब आप यहाँ से जो है वाइप्स को निकाल सकते हैं। ये आप सील देख सकते हैं, ये सील लगी हुई थी और यहाँ से हम वाइप जो है निकाल सकते हैं। ये गैस जो वाइप्स हैं ये वेट वाइप्स हैं, यानी कि जो अभी इंग्रेडिएंट्स बताए वो गैस इसमें है। और नॉर्मली अगर हम अपने फेस को टिश्यू पेपर से क्लीन करें तो वो अच्छे से क्लीन नहीं करता है। एंड जिन लोगों के सेंसिटिव स्किन रहती है उन लोगों की स्किन भी गैस रेड हो जाती है अगर वो लोग डायरेक्ट जो है टिश्यू पेपर से अपने स्किन को क्लीन करें। लेकिन अगर आप कारा के इस वाइप को यूज़ करके अपनी स्किन को क्लीन करेंगे तो ये एकदम जेंटली जो है आपके फेस से एक्सेस डर्ट एंड ऑयल को क्लीन कर देगा। और ये बहुत अच्छा होता है, ईजिली एब्जॉर्ब करता है। और ये गैस जो है इसका फैब्रिक होता है इस टाइप का और इसकी स्मेल भी काफ़ी अच्छी होती है। इस टाइप से आपको इतना बड़ा जो है वाइप मिल जाता है, आप जो है अपने फेस पे इसको क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और गैस इस पैक में आपको जो है 30 वाइप्स मिलते हैं इसी टाइप के। सो गैस ये जो पैक है पूरा 1 महीने आपका चल जाएगा, और 1 महीने नहीं तो आपका 15 दिन आराम से चल जाएगा अगर आप सुबह शाम 2 बार भी वाइप्स दो यूज़ करेंगे तो। खैर मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा वाइप्स का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप वाइप्स परचेस करना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के अपने लिए वाइप्स परचेस कर सकते हैं। सो गाइस मिलेंगे आपसे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।